हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। देखिए, आज मैं आपको ओबी पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करना बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको करना है। बाकी अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एलसीबीएप और रेगुलर वालों के लिए, क्योंकि इनका ही पोर्टल अभी ओनली वर्क कर रहा है। एसएल वालों का भी पोर्टल वर्क नहीं कर रहा है। एसएल वाले का जैसे वर्क करने लगेगा मैं उसके भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप एनसीबीएप या रेगुलर के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आप देख सकते हो। अगर एसएल के भी है तो भी आप देख सकते हो। वो पोर्टल में दोनों में कोई अंतर नहीं है, फ़र्क बस इतना है कि एनसीबीएप और रेगुलर वालों का पोर्टल है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओबी रजिस्ट्रेशन से पहले हम कुछ जनरल गाइडलाइन जान लेते हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इनको आपको नोट भी कर लेना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। पहली चीज़ आप सभी को ध्यान रखनी है कि स्टूडेंट जो भी एग्ज़ामिनेशन देगा वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से देगा, यानी अल्फ़ाबेटिक लेटर से देगा। और पोर्टल पर कोई भी पेपर जब शो होगा, जैसे कि एक एक टाइम ऐसा आएगा आपके एक ही टाइम पर दो पेपर शो होंगे, पॉलिटिकल का भी होगा जैसे एजुकेशन का भी होगा, तो आपको अल्फ़ाबेटिक सीरीज में ही अपना पेपर देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कल आपने एजुकेशन का दिया तो आज भी एजुकेशन का शो रहा है, क्योंकि दो दो दिन एजुकेशन के भी हो सकते हैं, दो दिन पॉलिटिकल के भी हो सकते हैं। तो एडमिट कार्ड में देख के और अल्फाबेटिक ऑर्डर से ही अपना आपको पेपर अटेंड करना है। ठीक है, दूसरे में इन्होंने कहा रखा है द स्टूडेंट सेल बी अपीयर इन द पेपर कोर्स इन द पर डेट शीट नोटिफाइड द इन्फॉर्मेशन गिवन द एग्जामिनेशन फॉर्म। जो आपकी डेट शीट में है वही आपके एग्जामिनेशन फॉर्म यानी ओबी पोर्टल के अंदर आपको मिलेगा। द स्टूडेंट शैल बी अपीयर इन द पेपर कोर्स ऑफ द डेट शीट नोटिफाइड द इन्फॉर्मेशन गिवन द एग्जामिनेशन फॉर्म। अब देखिए एक चीज़, ड्यूरेशन के ऊपर काफ़ी स्टूडेंट बहस कर रहे थे। देखिए, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनको 4 घंटा मिले हैं, और जो पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट हैं उनको 4+2 यानी 6 घंटे मिले हैं। पर एक चीज़ और है जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे उनका जो एग्जामिनेशन टाइम है उनको बढ़ा दिया गया है, 7 मिनट आपको नॉर्मल स्टूडेंट को और मिलेंगे, पर उसमें आपको प्रूफ देना होगा उनको कि हमारा पोर्टल क्रैश हो गया, हम काम नहीं कर पाए। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ आपको 4 घंटे सोच के ही चलना है, 4 घंटे में आपको सब कुछ करना है। 5 घंटे का मतलब यानी कि 5 घंटे आप करोगे। ठीक है, अब देख लेते स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस क्या है ओपन बुक एग्जामिनेशन की। पहला, स्टूडेंट जो भी होगा उस एग्जामिनेशन फॉर्म को जब वो फिल करेगा तो उसको अपनी सारी डिटेल भरनी है, जैसे कि नेम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम नेम, डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन रोल नंबर, रजिस्टर ईमेल एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, और सबमिशन ऑफ द अबव डिटेल्स द स्टूडेंट विल रिसीव पासवर्ड ऑन डेयर। जब आप सबमिशन कर लोगे, रजिस्टर कर लोगे, तो अब आपको एक पासवर्ड मिलेगा आपकी ईमेल आईडी या आपके मोबाइल नंबर पे। उसको आप जैसे ही इंसर्ट करोगे पोर्टल पर तो वो आपको लॉगिन हो जाएगा, यानी वही उसी पासवर्ड को आपको अपने पास रखना है। जो आपका यूजर आईडी होगा वो आपका रोल नंबर होगा, जो पासवर्ड होगा वो आपके मेल पर आएगा, उसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अब दूसरे में लिखा है ऑन द डेट ऑफ फाइनल ओबी एग्जामिनेशन स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड द लॉग इन द एग्जामिनेशन पोर्टल विद द देयर एग्जामिनेशन नंबर एंड द पासवर्ड द लेटेस्ट 30 मिनट, यानी 30 मिनट पहले आपको लॉग इन हो जाना है अपने पोर्टल पर। और वंस द स्टूडेंट लॉग इन द पोर्टल क्लॉक ऑन द स्टूडेंट स्क्रीन विल बी डिस्प्ले, यानी पोर्टल पे आपको एक स्क्रीन दिखेगी जिसमें आपका टाइम चल रहा होगा पेपर स्टार्टिंग का। स्टूडेंट शुड बी द इंटरेक्शन, आपके उधर एक टाइम चल रहा होगा कि आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो 30 मिनट पहले ही आप लॉग इन आपको हो जाना है एडमिट कार्ड के टाइम के हिसाब से। ठीक है, दूसरी चीज़, जब आप उस पोर्टल पर अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, टाइम होते ही आपका क्वेश्चन पेपर वहाँ आ जाएगा और उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी कारणवश कोई स्टूडेंट अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर पाता है तो आपको पैनिक नहीं होना है, वेट करना है। आपका क्वेश्चन पेपर ये साइट पर भी अवेलेबल करा देंगे, एसओएल या दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पर, वहाँ से भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोशिश कीजिए 30 मिनट पहले हो जाए, और अगर क्वेश्चन पेपर नहीं डाउनलोड हो रहा तो थोड़ी देर वेट कर ले, क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, क्योंकि लोड की वजह से हो सकता है क्वेश्चन पेपर अटक सकता है। ठीक है, ये स्टेप 2 में उन्होंने बता रखा है। अब स्टेप 3 क्या कहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखिए, स्टेप 2 थोड़ा सा बड़ा है। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन डाउनलोड बटन। ठीक है, आपका फ़ोन लैपटॉप से किसी से भी आप कर सकते हो। और अगर किसी भी कारण से आपका क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलता तो आप अपने नोडल ऑफिसर से बात करके उनसे क्वेश्चन पेपर वो आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। ये सब इमरजेंसी के उसमें ही करना है, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा तो। अब देख लेते हैं, अगर कोई किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया है और एग्जामिनेशन जैसे ही उसका ख़त्म हो रहा तो वो विंडो अपने आप ही बंद हो जाएगी, स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा। ठीक है,
अब बाकी कई स्टूडेंट कहते हैं सर नोडल ऑफिसर का नंबर ही नहीं देगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जल्दी नोडल ऑफिसर के नंबर आपको अवेलेबल कराएगी। अब ये हो सकता है कि एग्जामिनेशन के टाइम पर नोडल ऑफिसर आपकी हेल्प करे या ना करे, वो उनके ऊपर डिपेंड है, पर नंबर आपको सारे प्रोवाइड जाएंगे, ईमेल आपके सारे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बात है जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, तो ही हम रजिस्ट्रेशन के आगे बढ़ेंगे। अब स्टेप थ्री क्या कहता है, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 4 आवर्स, 4 घंटे आपको दिए गए हैं जिसमें 3 घंटे आपको लिखने के और एडिशनल IT रिलेटेड 1 घंटा आपको मिला है, और 60 मिनट एडिशनल और मिला है। अगर किसी कारणवश स्टूडेंट का पोर्टल क्रैश हो जाता है या मोबाइल ख़राब हो जाता है तो उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको परेशानी बतानी है कि ये प्रॉब्लम आ रही, तभी आप सबमिशन कर पाओगे। और PWD को लिए 6 घंटे मिलेगा, बस ये बता रखा है 60 घंटे आपको, 60 मिनट आपको मिले हुए और बाकी 1 घंटा मतलब आपको एक्स्ट्रा मिला हुआ है, कहीं ना कहीं आपके 5 घंटे बल्कि 4 घंटे आपके माने जाएंगे। अब देखिए आपको आंसर किस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो कौन सी शीट पे लिखना है, A4 साइज की होनी चाहिए और ब्लू और ब्लैक पेन का ही आपको यूज करना है, और बाकी इन्होंने रूल्ड और प्लेन का भी बता रखा है कि रूल्ड भी यूज कर सकते हो और प्लेन भी, जबकि एडमिट कार्ड पे ओनली प्लेन लिखा है, तो आप रूल्ड भी ले सकते हो प्लेन भी, बाकी आपके मन है आई सजेस्ट प्लेन आप यूज़ कीजिए। बाकी A4 साइज की होनी चाहिए और पोर्टल पर आपको अपलोड करना है स्मूथली, जैसे ही आपको मतलब वहाँ पे जैसे आपका पेपर होता है स्कैन करके PDF बना के JPG में भी कर सकते हो, अपलोड कर देना, ठीक है। बाकी एक बात ध्यान दीजिए, जब आप अपलोड करोगे उस समय आपको पासवर्ड नहीं लगाना है अपनी आंसर शीट पे, कई स्टूडेंट पासवर्ड लगा देते हैं, इतना कोई वो नहीं है, ठीक है। ये छोटी छोटी इंट्रोडक्शन है, बाकी आप जब OP पोर्टल चलाओगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, बस टाइम का आपको ध्यान रखना है। 1 घंटे से 4 घंटे का आपको टाइम मिला, एक घंटा एक्स्ट्रा मिला है अगर किसी कारणवश आप फेल हो जाते हो देने में सबमिट करने में, ठीक है। अब पांचवा देख लीजिए, जो आप फाइल बनेगी वो 7 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए हर एक फाइल, फिर वहाँ पे डाउनलोड, फिर वहाँ पे आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट नहीं होगी। अगर 7 MB से ज़्यादा हो जाता तो उसकी जो फाइल कंप्रेस कर लीजिए, मैंने वीडियो बना दी कौन कौन से लिंक है उससे आप फाइल को छोटा कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, ठीक है। द अपलोड आंसर शीट द स्टूडेंट विल लॉग इन द एग्जामिनेशन पोर्टल द सेलेक्ट द अपलोड आंसर, वहाँ पे अपलोड का आंसर होगा इस सेक्शन वाइज, वहीं पे आपको अपने क्वेश्चन वाइज के हिसाब से मैं अपलोड कर देना है, ठीक है। दिव्यांग के लिए भी ऐसी है, 6 घंटे का टाइम है, उनको भी ऐसी सेम करना है। ये कुछ बेसिक सी बात है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बाकी मैं तो समझता हूँ आपको बस टाइम लिमिट याद होनी चाहिए, बाकी जो प्लेन पेपर वगैरह ये सब याद होना चाहिए, बाकी अब तो खुद ही कर लोगे, कोई इतना हार्ड नहीं है, है ना। अब देख लेते हैं आगे की गाइडलाइंस क्या कह रही है। बाकी देखिए डरने की ज़रूरत नहीं है ना, पैनिक होने की ज़रूरत है, पहली बार होगा आपका इसलिए आपको लग रहा है, बाकी जो पिछली बार दे चुके उनके लिए काफ़ी ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नया है। अब देखिए छठा सबमिशन है, वंस द स्टूडेंट अपलोड द ऑल स्कैन आंसर शीट, सारी स्कैन आपको आंसर शीट कर लेनी है, रिस्पेक्टिव क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपने किए, दे शुड बी क्लिक द बटन ऑफ द UFM डिक्लेरेशन, उसमें डिक्लेरेशन रहेगा कि आपने आंसर शीट सबमिशन कर, एक बार सबमिट करने का दोबारा सबमिट का मौका नहीं मिलेगा। सबमिट करते क्या ही आपको एक SMS प्राप्त होगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपकी आंसर शीट सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख ले। अब देख लेते हैं OB रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो देखिए अब मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा, ये NCVAP और रेगुलर वालों के लिए फ़िलहाल, इसका जो लिंक है वो है ov.obe.du.ac.in, सर्च मार लेना आ जाएगा। देखिए जब आप इसे लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको दिखाएगा, पहले आपको गाइडलाइंस लिखी होगी, बाकी आपको लिखा रहेगा कि पासवर्ड और आपके यूज़र नेम डालना, नहीं जाना न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है पहले, तो अब अभी हमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे ध्यान रखना है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से करा लिया तो फिर आपको दोबारा फॉर्म नहीं भरना है ये वाला, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया OB के लिए तो ही आपको ये फिलअप करना है, ठीक है। बाकी कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि वहाँ पे अपना रोल नंबर वगैरह डालते हैं फिर वो उनका कुछ नहीं ओपन होता, तो ऐसा नहीं है, पहले आपको रजिस्टर अपने आपको करना ही पड़ेगा। देखिए मैं आपको ऑनलाइन इसलिए नहीं दिखा रहा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये 2-3 स्टेप की ही वीडियो है और इसके बाद आपको खुद ही आपको चलाना आ जाएगा। जब आप फेसबुक वगैरह व्हाट्सअप वगैरह जब चलाना सीख जानते हो तो आप तो टेलीग्राम भी चलाना जानते हो जब से हमने ज्वाइन करवाया आपको, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए ईजी ही है। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर ये जो ग्रीन सा ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए ध्यान रहे
आपको डायरेक्ट जब आप ओपन करोगे इस पर आपको साइनिंग नहीं करना है, साइनिंग आपको तभी इसमें करना है जब आप रजिस्टर अपने आप को कर लोगे। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन रोल नंबर और पासवर्ड आप डाल सकते हो। अब देखिए फॉर्म किस तरीके से भरना है वो आप देख लीजिए पहले, तो देख लीजिए अब ज़रा। जैसे आप न्यू रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा आएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर वही जो आपके रजिस्टर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसमें सिलेक्ट प्रोग्राम किस किस प्रोग्राम से, बीए प्रोग्राम, बीकॉम वगैरह, और नेम डालना है, एग्जामिनेशन रोल नंबर डालना है, ठीक है, और बाकी कैप्चा डाल के सबमिट कर देना। इसके अंदर भी एक फॉर्म और आएगा, उसमें आपको ये पूछा जाएगा कि आप सेमेस्टर से या एनुअल से। अगर सेमेस्टर से तो सेमेस्टर डाल दीजिए, अगर एनुअल से तो एनुअल डाल दीजिए, ठीक है, एनुअल वाले यानी एसएल वालों के लिए, बाकी आपको तो सेमेस्टर डालना है। ईमेल आईडी आएगी, ईमेल आईडी पे आपका पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड आपको रखना है, बाकी आपको सबमिट करके फॉर्म कर लेना है। जैसे आप सारी डिटेल अपनी बेसिक डिटेल अपनी सारी फिलअप कर दोगे, वो आप कर लोगे, मुझे पता है ये यहीं थोड़ा सा स्टूडेंट अटकता है। उसके बाद फिर आपको लॉगिन के पेज पे आ जाना है, ये जैसे ये पेज आ गया लॉगिन का, एग्जामिनेशन रोल नंबर डाल देना, पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना, और अंदर पोर्टल आ जाएगा, वहाँ पे आपका जो भी शेड्यूल वगैरह शो हो जाएगा। ईजी है, रोल नंबर आपका यूजर नेम है, पासवर्ड आपको जो मिलेगा वो आपको संभाल के रखना है। ओके, थैंक यू।